नमस्कार, आपका स्वागत है। प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों को सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसी कारण से घर के सामने अथवा घर के अंदर विविध प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। यदि कुछ विशिष्ट पौधे घर में लगाए जाए तो घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। पेड़ पौधे हमारे मन को शांति तो दिलाते ही है, साथ ही इनसे निकलने वाली सकारात्मक किरणें हमारे घर का वातावरण भी पवित्र बनाती है। वास्तुशास्त्र में ऐसे कई महत्वपूर्ण पौधों का वर्णन मिलता है जिन्हें हमें अपने घर में अवश्य ही लगाना चाहिए, लेकिन वास्तुशास्त्र में ऐसे भी पौधों के बारे में बताया गया है जो हमारे घर के आसपास भी नहीं होने चाहिए। ये पौधे धन का नाश करने वाले होते हैं। यदि गलती से भी ये आपके घर के सामने उग जाए तो इन्हें तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। कुछ लोग जाने अनजाने में ऐसे पौधों को घर पर ले आते हैं जो बहुत ही अशुभ परिणाम देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में कौन से पौधे होने चाहिए और कौन से नहीं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। घर में इन पौधों का होना शुभ होता है। सबसे पहला है तुलसी का पौधा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में तुलसी नहीं वहां पर लक्ष्मी नहीं। जो मनुष्य जीवन में एक बार भी तुलसी को जल नहीं देता है उसे मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए तुलसी को सबसे शुभ माना गया है। तुलसी का पौधा हमारे घर में अवश्य ही होना चाहिए। दूसरा है मनी प्लांट। वास्तुशास्त्र के अनुसार मनी प्लांट का पौधा घर की आर्थिक स्थिति को और भी अधिक मजबूत बनाता है। यदि कर्ज की समस्या है तो दूसरों के घर से अथवा किसी अन्य स्थान से मनी प्लांट चुरा कर लेकर आए और अपने घर में अवश्य लगाएं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष घर की उत्तर दिशा में लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे घर के सदस्यों का विकास होता है और शांति बनी रहती है। यह शोक का नाश करने वाला वृक्ष है। चौथा है केले का पेड़। वास्तुशास्त्र में केले के पेड़ का महत्व सबसे अधिक है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। यदि केले का पेड़ तुलसी के पौधे के पास लगाया जाए तो घर में धन की कमी कभी महसूस नहीं होगी। पांचवा है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ भवन के सामने लगाया जाए तो घर के सदस्यों के मान सम्मान में वृद्धि होती है, लेकिन इसे ठीक मुख्य द्वार के सामने नहीं लगाना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं घर में कौन से पौधे लगाना अशुभ फल देता है। सबसे पहला है दूध वाला पौधा। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन पौधों से दूध निकलता है उन पौधे को घर की सीमा में लगाना अशुभ होता है। ये पौधे विषारी होने के साथ ही घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। इन्हें तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। दूसरे है कांटेदार पौधे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में अथवा घर की सीमा में कांटेदार पौधे कभी लगाने नहीं चाहिए, किंतु गुलाब का पौधा लगाया जा सकता है, लेकिन मरुस्थल के पौधे कभी लगाने नहीं चाहिए। मरुस्थल के पौधे घर के मुखिया की उन्नति में रुकावट पैदा करते हैं, उसे शत्रुओं से हार का सामना करना पड़ता है। तीसरा है पपीते का पेड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार पपीते का पेड़ बहुत ही अशुभ फल देने वाला होता है। इस पेड़ को घर की सीमा में कभी लगाना नहीं चाहिए। यदि ये अपने आप उग जाता है तो इसे फल लगने से पहले ही उखाड़ कर किसी अन्य स्थान पर स्थलांतरित कर देना चाहिए। चौथा है सीताफल का पेड़। कई लोग जाने अनजाने में ही घर के सामने सीताफल का पेड़ लगा देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में इस पेड़ को अशुभ फल देने वाला बताया गया है, इसीलिए इस पेड़ को घर में न लगाएं। तो दोस्तों, ये थे वह पेड़ पौधे जिन्हें घर की सीमा में कभी लगाना नहीं चाहिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।